हेलो इंजीनियर्स, तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिजाइन ऑफ सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक क्या होता है? जो हमारा वेस्ट निकलता है हमारे किचन से, बाथरूम से, टॉयलेट से, सिंक से, तो वो सब जाता है हमारा सेप्टिक टैंक में और वहाँ पे एनारोबिक डिकम्पोजिशन होके वो वहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या हमको क्या करना है, उस सेप्टिक टैंक का हमको डिजाइन करना है। तो डिजाइन करने के लिए हमको क्या करना है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस इंस्टॉलेशन ऑफ सेप्टिक टैंक ये आपको डाउनलोड करना है, जिसका IS कोड नंबर है 2470 Part 1 1985। आपको क्या करना है, ये IS कोड को आप इजीली आपको नेट पे मिल जाएगा, आपको उसको डाउनलोड करना है सेप्टिक टैंक डिज़ाइन करने के लिए। तो आइए हम जानते हैं इसमें क्या क्या प्रोसीजर होता है सेप्टिक टैंक डिज़ाइन करने के लिए। हम चलते हैं नीचे। तो सबसे पहले जो हमारा ये लोकेशन ऑफ सेप्टिक टैंक वो क्या होना चाहिए, ये वो हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है सेप्टिक टैंक शुड बी लोकेटेड एट अ प्लेस ओपन टू स्काई as far as away as possible from the exterior of the wall or building and should not be located in swampy areas or area prone of flooding. It should always be accessible for cleaning. तो यहाँ पे क्या लिख रहा है कि आपको जो आप सेफ्टी टैंक डिजाइन करेंगे वो हमेशा क्या होना चाहिए, ओपन टू स्काई होना चाहिए, यानी कि उस पर आप हम क्या करेंगे, मैन होल का कवर लगा देंगे तो उस पर हम इजिली जाके एसेसेबल, कभी क्लीनिंग करना हो तो मैन होल ओपन करके हम वहाँ पे जाके क्लीनिंग कर सकते हैं। और जो हमारा सेप्टिक टैंक है उसको जितना दूर प्रोवाइड कर सकते हैं हम अपनी बिल्डिंग से, उसको उतना दूर प्रोवाइड करेंगे। और जो हमारा सेप्टिक टैंक है ऐसे एरिया में नहीं होना चाहिए जहाँ पे फ्लडिंग आने के चांसेस है, क्योंकि फ्लडिंग आएगा तो वो हमारा जो भी सीवेज है वो बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से बहुत बैड स्मेल आएगी। और वो ऐसी जगह पे होना चाहिए जो हमारा वो इजीली एसेसिबल हो क्लीनिंग करने के लिए। उसके बाद हम सीखने वाले हैं यहाँ पे सेप्टिक टैंक डिज़ाइन। तो पहले समझ लेते हैं सीवेज फ्लो, यानी कि हमारा जो सीवेज वेस्ट है वो उसका फ्लो कैसा होता है। तो देखिए, ये हमारा बाथरूम है, वॉश बेसिन है और ये हमारा वाटर क्लोजेट यानी कि टॉयलेट है। तो वहाँ से क्या होता है, ये वेस्ट पाइप से यहाँ से आता है और यहाँ से सॉइल पाइप, जो यहाँ पे हमारा वाटर क्लोजेट यानी कि टॉयलेट से जो आता है उसको बोलते हैं सॉइल पाइप, और जो हमारा बाथरूम वॉश बेसिन सिंक उन सब से आता है उसको बोलते हैं वेस्ट पाइप। तो यहाँ से जो पाइप आता है थ्रू मैन होल, मैन होल से आता है सेप्टिक टैंक में, फिर सेप्टिक टैंक से जाता है वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो हमको क्या करना है, इसी सेप्टिक टैंक का डिज़ाइन करना है। तो वो कैसे करते हैं हम आगे देखते हैं। तो फिर आपको आना है पेज नंबर 10 पे, यहाँ पे हम देख सकते हैं डिटेंशन टैंक। तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, अ सेप्टिक टैंक शुड बी डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ provides a detention time of 24 to 40 hours based on an average daily flow of sewage. यानी कि अगर जो भी हमारा डेली फ्लो ऑफ सीवेज आता है हमारे सेफ्टी टैंक में, उसमें इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए हमारे सेफ्टी टैंक की कि वो कम से कम 2 दिन यानी कि 48 आवर्स का स्टोरेज रख सके। समझ लीजिए, 1 दिन में हमारा 100 लीटर का वो वेस्ट क्रिएट होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा डिज़ाइन करना पड़ेगा कि 2 दिन तक चले, यानी कि 200 लीटर का वेस्ट भी आ जाए तो भी हमारा टैंक फेल नहीं होना चाहिए, यानी कि फ्लड नहीं होना चाहिए उसके, नहीं तो ओवरफ्लो हो जाएगा और हमारे एरिया में क्या हो जाएगा, बेड्स में आना चालू हो जाएगा। तो हमको कम से कम 2 दिन का उसको डिटेंशन टाइम रहना चाहिए। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं डायमेंशन ऑफ सेप्टिक टैंक। फिर यहाँ पे देख सकते हैं सेप्टिक टैंक शेल हैव अ मिनिमम विड्थ ऑफ 750, मिनिमम डेप्थ ऑफ 1 मीटर बिलो वाटर लेवल एंड मिनिमम लिक्विड कैपेसिटी ऑफ 1000 लीटर। यानी कि जो सेप्टिक टैंक डिज़ाइन करेंगे उसका जो मिनिमम विड्थ होना चाहिए वो होना चाहिए 750 mm, यानी कि 0.75 मीटर। और जो यहाँ पे देख रहे हैं मिनिमम डेप्थ, जो वाटर डेप्थ होगा वो कितना होना चाहिए, 1 मीटर होना चाहिए मिनिमम। और यहाँ पे जो लिक्विड कैपेसिटी होनी चाहिए यानी कि वॉल्यूम जो होना चाहिए हमारे सेप्टिक टैंक का, मिनिमम 1000 लीटर होना चाहिए, यानी कि 1 मीटर क्यूब का हमारा वॉल्यूम होना चाहिए मिनिमम। फिर उसके नीचे यहाँ पे पढ़ लेते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है फॉर रेक्टेंगुलर सेप्टिक टैंक द लेंथ ऑफ द टैंक शैल बी 2 to 4 times द विड्थ। यानी कि हमारा जो भी अगर हम रेक्टेंगुलर टैंक डिज़ाइन करेंगे तो जो हमारा विड्थ होगा उसके हिसाब से हमारा लेंथ क्या होना चाहिए, 2 to 4 times विड्थ, यानी कि हमारा लेंथ 2 से 4 गुना विड्थ के हिसाब से हमको ऐसा डिज़ाइन करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे लिखा सूटेबल साइजेस ऑफ सेप्टिक टैंक्स आर गिवन इन अपेंडिक्सेस। तो आप वहाँ पे जाकर अपेंडिक्स में देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे डायमेंशन दिए हुए हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर सर्कुलर टैंक डिज़ाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए मिनिमम डायमीटर शुड नॉट बी लेस देन 1.35 मीटर एंड ऑपरेटिंग डेप्थ शुड नॉट बी लेस देन 1 मीटर। यहाँ भी सर अगर आप रेक्टेंगुलर टैंक की जगह सर्कुलर टैंक डिजाइन करते हैं तो उसका मिनिमम डायमीटर कितना होना चाहिए, 1.35 मीटर होना चाहिए, और जो वाटर डेप्थ होना चाहिए वो भी यहाँ पे कितना होना चाहिए, 1 मीटर होना चाहिए। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका टॉप व्यू, यहाँ से इनलेट होगा
यहाँ पे हमारा सीवेज रहेगा 2-3 के लिए, समझ लो डिटेंशन टाइम हमें दिया, ये विड्थ है, ये लेंथ है, और जो आपका पाइप का डायमीटर है इनलेट का, वो हमेशा 100 mm कम से कम होना चाहिए मिनिमम। और यहाँ पे आउटलेट पाइप है, ये हमारा था टॉप व्यू। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप इसका साइड व्यू सेक्शन, तो यहाँ से हमारा इनलेट आया, ये हमारा वाटर डेप्थ है, यहाँ से देखिए यहाँ से वाटर डेप्थ है, और ये जो हमारा फ्री स्पेस है वो है कितना 300 mm, यानी कि ये फ्री बोर्ड है। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे कोई कॉन्क्रीट नहीं दिख रहा है, यानी कि ये मैन होल है, और यहाँ पे कॉन्क्रीटिंग पूरा कॉन्क्रीट से कवर किया हुआ है, यानी यहाँ पे साइड में ब्रिक वर्क दिया है, और नीचे हमारा क्या दिया है, सीमेंट कॉन्क्रीट दिया है 1:2:4, यानी कि M15, और यहाँ पे 2 mm का मोटर फिनिश दिया है ताकि, और ये हमारा डेप्थ है। और यहाँ पे देखिए देख सकते हैं जो बेड है थोड़ा सा स्लोप पे है, क्योंकि अगर यहाँ पे जो स्लज सेटल होगा वो क्या होना चाहिए, ये सेट होना चाहिए, नहीं तो हमारा क्या स्लज अगर ओवरफ्लो हो जाएगा तो यहाँ से जाके यहाँ से डायरेक्ट बिना ट्रीटमेंट हुए चला जाएगा। तो अब क्या करना पड़ता है, यहाँ पे स्लज सेटल होएगा, ये सेटल को हम स्लज कितने क्लीनिंग करते हैं, कितने टाइम में क्लीन करते हैं वो हम आगे देखते हैं। फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ऐसे स्पॉन, यानी कि जो हम मैन हमारा जाएगा क्लियर क्लीनिंग करने के लिए, वो क्या करेगा, उसका जो क्लीनिंग का ओपनिंग का साइज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 450 mm बाय 610 mm अगर आप रेक्टेंगुलर प्रोवाइड करते हैं, अगर आप सर्कुलर प्रोवाइड करते हैं तो मिनिमम 500 mm का डायमीटर होना चाहिए, यानी कि 50 cm या बोल सकते हैं 0.5 मीटर का डायमीटर होना चाहिए मिनिमम, ताकि वहाँ से इजिली मैन जा सके हमारा और वहाँ पे क्लीन कर सके। और यहाँ पे जो हम प्रोवाइड करेंगे हमारा सेप्टिक टैंक, उसके हमको वहाँ पे वेंटिलेटिंग पाइप भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसका डायमीटर मिनिमम 50 mm होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा है द टॉप ऑफ द पाइप शुड बी प्रोवाइडेड विद अ सुटेबल कैच ऑफ मॉस्किटो प्रूफ मैश, यानी कि जो हमारा वेंटिलेटिंग पाइप होगा उसके ऊपर हमको मॉस्किटो प्रूफ मैश लगाना होगा, नहीं तो क्या करेंगे मॉस्किटो पूरे हमारे सीवेज में चले जाएंगे और हमारा सीवेज पाइप ब्लॉक कर सकते हैं, इसलिए हमको मॉस्किटो पाइप बनाना है। उसके बाद देखते हैं, देखिए ये हमारा एक सेप्टिक टैंक का डिज़ाइन है, टिपिकल सेप्टिक टैंक, यहाँ से सीवेज आएगा, फिर यहाँ से जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा यानी कि सेटल होगा, 2 दिन रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा नेचुरली सेटल हो जाएगा स्लज, तो यहाँ पे जो स्लज का वेट रहता है वो ज़्यादा रहता है, इसलिए यहाँ पे स्लज वेट सेटल हो जाएगा। और यहाँ पे जो होगा यहाँ पे वो एनारोबिक डिकम्पोजिशन होगा इस स्लज का, एनारोबिक डिकम्पोजिशन होने के कारण क्या होता है, गैसेस रिलीज होते हैं, तो गैसेस कहाँ जाएंगे, नीचे तो गैसेस आएंगे नहीं, गैसेस कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे एक डर्टी स्कम लेयर बन जाता है। और उसके ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे फ्री एरिया दिया, फ्री एरिया क्यों दिया, अगर ये जो गैसेस रिलीज होते हैं अगर वो ज़्यादा प्रेशर, अगर ये हम पैक कर देंगे तो गैसेज रिलीज हो तो प्रेशर बनेगा, तो यहाँ पे हमारे कॉन्क्रीट में क्रैक आ सकता है, इसलिए यहाँ पे हम फ्री बोर्ड थोड़ा सा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्कम लेयर बन गया, फिर यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया, फिर यहाँ से एक पाइप दिया गया है, यहाँ से पाइप से जाएगा हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट, यहाँ की सेकेंडरी डिकम्पोजिशन होगा, फिर जो हमारे यहाँ से वाटर रहेगा वो यहाँ से निकल के यहाँ से चला जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम वेंट पाइप भी प्रोवाइडेड है, जिसमें ऊपर हम क्या लगेंगे मॉस्किटो मैश लगाएंगे। उसके बाद हम सेफ्टी टैंक कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखें द फ्लोर ऑफ द सीमेंट कॉन्क्रीट और मिनिमम M15, यानी कि आपको मिनिमम M15 का ग्रेड का कॉन्क्रीट प्रोवाइड करना है बेस में सेफ्टी टैंक के। और यहाँ पे मिनिमम स्लोप आपको कितना देना, 1:10 में भी प्रोवाइडेड टूअर्ड स्लज आउटलेट टू फैसिलिटेट स्लजिंग, यानी कि हम ये डायग्राम में देख सकते हैं, देखिए ये डायग्राम में आपने 1:10 का स्लज प्रोवाइड किया, तो यहाँ पे जो स्लज होगा मोस्टली यहाँ पे सेटल होगा, यहाँ पे नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पे आउटलेट में स्लज हमारा नहीं जाएगा। फिर आएंगे हम पेज नंबर 16 में, यहाँ पे हम वॉल के बारे में देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए लेबल लिखा है वॉल बिल्ड आउट ऑफ ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन 200 mm थिक एंड शुड बी प्लास्टर्ड टू अ मिनिमम थिकनेस ऑफ 12 mm इनसाइड एंड आउटसाइड विद सीमेंट मोर्टार नॉट बिगर देन 1:3 वेयर देयर आर बिल्ड ऑफ द स्टोन मशीनरी देयर शुड नॉट बी मिनिमम थिकनेस ऑफ 17। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो हम वॉल अगर ब्रेक वर्क का बनाते हैं तो उसका मिनिमम थिकनेस 200 mm का होना चाहिए और उसमें 12 mm का प्लास्टर होना चाहिए, जो सीमेंट मोर्टार यूज़ करेंगे वो 1:3 होगा या फिर 1:2 कर सकते हैं, लेकिन उससे 1:4 1:5 इससे बिगर मोर्टार हम यूज़ नहीं करेंगे प्लास्टर करने के लिए ब्रेक वर्क को। तो अगर हम स्टोन मशीनरी से बाउंड्री बनाते हैं हमारे सेफ्टी टैंक का तो उसका मिनिमम थिकनेस होना चाहिए 370 mm। फिर यहाँ पे स्लज विड्रॉवल यानी स्लज क्लीनिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है हाफ ईयरली और ईयरली डिस्लजिंग ऑफ सेप्टिक टैंक इज डिजायरेबल, यानी कि साल में एक बार यानी कि 6 महीने में या फिर 1 साल में स्लज को डिस्चार्ज मतलब यानी कि क्लीनिंग करना जरूरी है तो वो डिजायरेबल है, लेकिन अगर स्मॉल सेप्टिक टैंक है, यहाँ पे देख सकते हैं स्मॉल
डोमेस्टिक थिंग्स फॉर इकोनॉमिकल रीजन में भी क्लीन फॉर एटलीस्ट 2 इन 2 ईयर्स। अगर 2 ईयर्स में क्लिक करते हैं तो अगर वो कहाँ पर यूज़ करते हैं, अगर स्मॉल डोमेस्टिक टैंक से वहाँ पर ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते, ज़्यादा ओवरलोड नहीं होता और मोर नंबर ऑफ पीपल्स फॉर विच इट इज डिजाइंड। तो ये हो गया हमारा स्लज विड्रॉल के बारे में। फिर आगे जाते हैं, फिर यहाँ पे देखिए साइजेस ऑफ सेप्टिक टैंक। तो समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ यूजर्स, नंबर ऑफ यूजर देखिए 5, 10, 15, 20 एंड 5 के मल्टीपल्स में लिखा है। और यहाँ पे लेंथ रिकमेंड हुआ है, लेंथ लेंथ कितना होना चाहिए 1.5। अगर 5 पीपल के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो लेंथ कितना होना चाहिए 1.5 मीटर होना चाहिए। और ब्रेथ देख सकते हैं 0.75, जैसा कि हमने कोर में ऊपर पढ़ा था मिनिमम ब्रेथ कितना होना चाहिए 0.75 मीटर। अगर आप क्लीनिंग पीरियड 1 ईयर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 मीटर का डेप्थ देंगे, अगर 2 ईयर के लिए क्लीनिंग पीरियड यूज़ कर रहे हैं तो आप क्या इतना देंगे 1.02 मीटर देंगे। फिर ये देखिए अगर हमारा एक नंबर ऑफ यूजर्स एक छोटे से पर्सनल हाउस के लिए यूज़ कर सकते हैं, अगर हमारा किसी बिल्डिंग के लिए यूज़ करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकमेंडेड साइज फॉर सेफ्टी टैंक फॉर रेसिडेंशियल कॉलोनीज। अगर रेसिडेंशियल कॉलोनी में कितने मेंबर हैं, 50 है, 100 है, 150 है, 200 है, 300 है, तो यहाँ पे आप वो देख सकते हैं। तो अगर समझ लीजिए 50 मेंबर्स हैं तो यहाँ पे लेंथ कितना देंगे आप 5 मीटर, ब्रेड कितना देंगे 2 मीटर और डेप्थ 1 मीटर का क्लीनिंग पीरियड रख रहे हैं तो 1 ईयर का क्लीनिंग पीरियड है तो 1 मीटर देंगे और 2 ईयर का क्लीनिंग पीरियड है तो 1.2 मीटर देंगे। और यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है अ प्रोविजन ऑफ 300 mm शुड बी मेड फॉर फ्री बोर्ड, यानी कि फ्री बोर्ड जो मैंने आपको बताया था डायग्राम से वो कितना होना चाहिए, मिनिमम 300 होना चाहिए। देखिए डायग्राम में देखते हैं, ये देखिए ये जो स्कम जगह ऊपर है वो कितना होना चाहिए, मिनिमम 300 mm होना चाहिए। फिर सिमिलर रेसिडेंशियल की बिल्डिंग के लिए वहाँ करिए, यहाँ पे भी मिनिमम 300 का हमको फ्री बोर्ड देना है। फिर यहाँ पे देखिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट लिखा है, यहाँ पे देखिए द साइज ऑफ सेप्टिक टैंक्स आर बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन व्हाइल चूजिंग द साइज ऑफ सेप्टिक टैंक, एग्जैक्ट कैलकुलेशन मे बी मेड। और यहाँ पे देखिए नोट, यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा है, द कैपेसिटीज आर रिकमेंडेड ऑन द अजम्पशन दैट डिस्चार्ज फ्रॉम ओनली वाटर क्लोजेड विल बी ट्रीटेड इन द सेप्टिक टैंक। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, जो सेप्टिक टैंक है हमारा उसमें जो साइज हमने यहाँ पे जो ऊपर मेंशनड है, ये जो साइज मेंशनड है वो किसका मेंशनड है, सेप्टिक टैंक में सिर्फ वाटर क्लोजेस से जो वेस्ट आ रहा है वो वेस्ट यहाँ पे इंक्लूडेड है। अगर आपको वॉश बेसिन्स हो गए, हमारे किचन से हो गए, बाथरूम से जो हो रहे हैं वेस्ट वो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं, वो आपको उसको भी इंक्लूड करना है तो आपको उसको भी डिज़ाइन करना पड़ेगा। वो कैसे डिज़ाइन करते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। तो चलिए हम डिज़ाइनिंग करते हैं। समझ लीजिए हमारे पास नंबर ऑफ यूज़र कितने हैं, 5 हैं। तो मैं एक्सेल शीट में जाता हूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ यूज़र लिखता हूँ, नंबर्स ऑफ यूज़र यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5। फिर यहाँ पे जाएंगे हमारे एक्सेल, फिर यहाँ पे देखते हैं अगर 5 ना तो लेंथ कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा हमको 5 मीटर का, वेट कितना प्रोवाइड करने का 0.75 मीटर का और डेप्थ कितना प्रोवाइड करना है। समझ लीजिए हम 2 ईयर का क्लीनिंग पीरियड लेना तो डेप्थ कितना प्रोवाइड करना है 1.05 मीटर। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ 1.05 लिखता हूँ, यहाँ पे डेप्थ लिखता हूँ। तो हमको यहाँ पे 2 वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा, वॉल्यूम 1 जो कि वाटर क्लोजेट से आ रहा है और वॉल्यूम 2 जो कि हमारा कहाँ से आएगा, वॉश बेसिन से आएगा, फिर यहाँ पे किचन से आएगा, बाथरूम से आएगा, सिंक से आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ V1 वॉल्यूम ऑफ सेप्टिक टैंक वाटर क्लोजेट। तो यहाँ पहले मैंने लिख दिया वाटर क्लोजेट। और V2 क्या आएगा, V2 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सेप्टिक टैंक क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सेप्टिक टैंक। तो नंबर ऑफ यूजर्स आ गए, डेप्थ आ गया, हमको लेंथ भी पता है तो यहाँ पे लेंथ लिखता हूँ, लेंथ यहाँ पे लिखता हूँ, वेट तो नंबर ऑफ 5 यूजर के लिए डेप्थ कितना था 1.05, लेंथ 1.5 और वेट 0.75, तो वो भी मैं लिख देता हूँ, लेंथ 1.5, वेट कितना है 0.75 एंड। तो वॉल्यूम ऑफ सेप्टिक टैंक कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ सेप्टिक टैंक फ्रॉम वाटर क्लोजेट, ये जो दिया है वो किसका दिया था, वाटर क्लोजेट का दिया था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाटर क्लोजेट। तो ये जो दिया था वाटर क्लोजेट का साइज दिया था तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या आएगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर्मूला, यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू वॉल्यूम क्या आएगा, डेप्थ मल्टीप्लाई में लेंथ मल्टीप्लाई में विड्थ। तो मैंने यहाँ पे लिखा डेप्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ और एंटर कर दिया। तो वॉल्यूम कितना आया, 1.18 क्या है मीटर क्यूब आया, वॉल्यूम ऑफ सेफ्टी टैंक फ्रॉम वॉश बेसिन। अब क्या एक्सपेंड करने का, वॉल्यूम ऑफ सेफ्टी टैंक फ्रॉम वॉश बेसिन सिंक एंड बाथरूम। तो जो वॉल्यूम वाटर हमारे सप्लाई होते हैं हमारे बिल्डिंग्स में वो कितना होता है, 135 लीटर से लेकर 225 लीटर पर कैपिटा पर डे होता है, यानी कि पर पर्सन कितना होता है हमारे जो कम्युनिटी म्यूनसिपल पार्टी हमको सप्लाई करती है एक दिन में हमारे लिए 135 लीटर से लेकर
25 लीटर्स तक हमको प्रोवाइड करती है पर पर्सन। तो हमारे पास समझ लीजिए, हमको म्यूनसिपल सप्लाई हमारा मैक्सिमम ही ले लेते हैं, समझ लीजिए 225 लीटर्स प्रोवाइड करती है हमको वाटर। तो जो हमारा जितना भी हमको वाटर प्रोवाइड करती है पर पर्सन, उसमें 80% हो जाता है ना, वो 80% वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम कह लेंगे वेस्ट फैक्टर 0.8, वो भी आया स्कूल में मेंशन्ड है। तो समझ लीजिए हमारे पास, मैं इक्वल टू लिखता हूँ यहाँ पे, इक्वल टू 225 लीटर्स। 225 लीटर्स हमको कितना होता है, 225 लीटर्स हमको पर पर्सन प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे पास पर्सन कितने हैं, 5। तो यहाँ पे लिखूंगा इंटू 5, और यहाँ पे क्या है 80, कितना टोटल वाटर सप्लाई होता है हमको हमारे लिए, लेकिन हमको 80% क्या हो जाता है, वेस्ट में कन्वर्ट होता है। तो उसे भी यहाँ पे 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 0.8 करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये क्या आ गया, 900 900 क्या आ गया, लीटर्स आ गया, 900 लीटर्स आ गया। ये कितना आ गया, एक दिन का वेस्ट हो गया, लेकिन हम टेंशन टाइम क्या लिया है, हमने 2 दिन का लिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 900 × 2 क्या हो जाएगा, 1800, यानी कि 1800 लीटर्स। तो इसको मीटर क्यूब में करेंगे, तो मीटर क्यूब करने की रहता है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 1.8 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सेप्टिक टैंक फ्रॉम बेसिन बाथरूम कितना आ गया, 1.8 मीटर क्यूब। और ये 1. तो टोटल वॉल्यूम क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1.18 प्लस 1.18 और एंटर कर देंगे। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सेप्टिक टैंक हमको कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा, 2.98 मीटर क्यूब का सेप्टिक टैंक हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारा डेप्थ ऑलरेडी मेंशनड है 1.07। तो यहाँ पे देखें वॉल्यूम ही है, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू वेल्थ इंटू डेप्थ। तो क्या हमको वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम कितना है हमारा 289, लेंथ हमको नहीं पता, वेल्थ हमको नहीं पता, और यहाँ पे डेप्थ, डेप्थ हम यही डेप्थ लेने वाले 1.0। तो इसको क्या करेंगे, 298 को डेप्थ से डिवाइड करेंगे, यानी वॉल्यूम को डेप्थ से डिवाइड कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, एरिया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल टू 2.98 डिवाइड बाय डेप्थ कितना है, 1.05। तो 1.05 टाइप किया, एंटर किया, तो ये आ गया 2.84, यहाँ पे एरिया आ गया। तो हम यहाँ पे क्या प्रोवाइड करने वाले, समझ लीजिए हम क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, रेक्टेंगुलर टैंक प्रोवाइड करने। तो लेंथ क्या होना चाहिए, 1.5 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। तो समझ लीजिए मैं लेंथ लेता हूँ 1.5 मीटर, तो विड्थ कितना आएगा, ये क्या आ गया हमारा एरिया आ गया, ये है हमारा एरिया। तो हम एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ पे लिख देता हूँ, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ 2.84 एरिया आया। तो हम लेंथ क्या अज्यूम कर रहे हैं, 1.5 में अज्यूम कर रहे हैं, तो विड्थ क्या आएगा, एरिया डिवाइड बाय लेंथ। तो एरिया कितना है, 2.84। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू का साइन, फिर लिखेंगे 2.84 डिवाइड बाय यहाँ पे लेंथ कितना है, 1.5। तो मैं टाइप करूँगा 1.5 और एंटर कर देंगे। तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा विड्थ, विड्थ। तो हमारा सेफ्टी टैंक का डायमेंशन क्या हो गया, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डायमेंशन इक्वल टू लेंथ कितना है, लेंथ 1.5 है, 1.5 इंटू वेट कितना लिया है, वेट हमारा आया 1.89 1.89 1.89, और हाइट कितना है वन, यानी कि डेप्थ कितना है, तो इंटू 1.05। यहाँ पे हम लेंथ 1.5 लेता है, अगर हमें समझिए लेंथ 2 लेता हूँ तो क्या आता है, देखिए इक्वल टू 2.84 एरिया है डिवाइड बाय 2 करता हूँ मैं और एंटर करता हूँ, तो लेंथ 1.42 आता है, तो मैं यही यूज़ करता हूँ। चलिए तो मैं लेंथ 2 ले लिया, तो विड्थ कितना आया 1.42। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1.42। तो देखिए ये हो गया हमारा डायमेंशन, ये क्या है रेक्टेंगुलर, तो मैं आप टाइप करता हूँ रेक्टेंगुलर। तो ये क्या हमारा रेक्टेंगुलर टैंक है। अगर हम सर्कुलर प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, वॉल्यूम तो यही सेम रहता है, वॉल्यूम ऑफ सेप्टिक टैंक कितना होगा 2.98, फिर एरिया इंटू डेप्थ, तो डेप्थ हम यही रहने देंगे। तो एरिया क्या आता है हमारा, वॉल्यूम सर्कुलर वॉल्यूम का सेम आता है एरिया। सर्कुलर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई बाय 4d2। तो यहाँ पे लिखते हैं हम पाई बाय 4d2 इक्वल टू 2.84। तो फिर क्या करेंगे, 2.84 को पाई बाय 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमको डेप्थ मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता है, फिर एरिया, एरिया कितना है हमारा 2.84 डिवाइड बाय पाई बाय 4, पाई बाय 4 करते हैं, फिर मैं ब्रैकेट डालूंगा,
ब्रैकेट और उसमें लिखूंगा पाई, पाई फोर पाई की वैल्यू होती है 3.14। मैं यहाँ पे मैं फिर से डिवाइड का साइन डालूंगा और लिखूंगा 4 और ब्रैकेट को कर दूंगा क्लोज, फिर कर दूंगा एंटर, तो ये आएगा 3.62। तो ये क्या है, हमारे डी स्क्वायर की वैल्यू है। डी की वैल्यू क्या आएगी, तो स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्या वैल्यू आएगी डी स्क्वायर की वैल्यू, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3.62 क्या होगा 1.9। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1.9, एंटर कर दूँ, तो यानी कि डायमीटर कितना होगा 1.9 मीटर का डायमीटर होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हम डायमेंशन, तो मैं इसको कंट्रोल करता हूँ, सर्कुलर वाला टैंक प्रोवाइड करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, डायमीटर कितना प्रोवाइड करेंगे, डायमीटर इक्वल टू 1.9 मीटर, डायमीटर कितना होता 1.9 मीटर का डायमीटर होता, और डेप्थ हमारा कितना होता 1.05, डेप्थ कितना होता 1.05 सर्कुलर वाटर टैंक प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे हम सेप्टिक टैंक का डिज़ाइन करते हैं। आई होप आपको सेप्टिक टैंक का डिज़ाइन हमारा आसानी से समझ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।